मंदसौर में जूनियर नेशनल हॉकी खिलाड़ी सागर डावर के झोपड़े पर सोमवार को प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान नूतन स्टेडियम ग्राउंड पर बना 40 साल का पुराना आशियाना कुछ ही पल में जमींदोज हो गया। घर टूटा देख सागर और उसके परिवार के आंसू निकल पड़े और विरोध में उन्होंने केरो से केन लेकर आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने पानी डालकर सागर की बहन को ऐसा करने से रोक दिया। प्रशासन का यह कहना है कि अवैध निर्माण था। SDM बिहारी सिंह ने इस बारे में बताया था कि यह जमीन शिक्षा विभाग की है और स्टेडियम के लिए आवंटित है। यहाँ से हटाने के बदले उन्हें अलवदा खेड़ी में गाँव में पट्टा दिया जा चुका है। 6 महीने से नोटिस देकर जगह खाली करने को कहा जा रहा था। ये सब प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए किया गया है। ये कार्रवाई नियमानुसार की गई है। हमारे पास पूरे रिकॉर्ड हैं कि उन्हें जमीन दी जा चुकी है। SDM ने बताया कि सागर को एक मकान प्रशासन ने दिया है लेकिन उनका परिवार वहां जाना नहीं चाहता। मंदसौर शहर के नूतन स्टेडियम इलाके में सागर अपनी माँ मेघा डाबर के साथ रहती है। पिता भुवन डावर की मौत काफी पहले हो चुकी है। सागर 5 बहनों और 3 भाइयों में सबसे छोटी है। वहीं 2 बहनों की शादी हो चुकी है जबकि 1 भाई की करंट लगने से मौत हो गई थी। 19 साल की सागर शहर की झुग्गी झोपड़ी में पली बढ़ी है। कुछ वक्त पहले वो माँ के साथ झाड़ू पोछा जैसे कामों में हाथ बटाकर अपना गुजारा करती थी। वहीं सागर जब टूर्नामेंट में हिस्सा लेने शहर से बाहर जाती तो उसे अपने साथियों और कोच से आर्थिक मदद लेनी पड़ती थी। इतना ही नहीं, जब ये भी संभव नहीं हो पाता तो सागर की माँ मेघाबाई जहाँ काम करने जाती वहाँ एडवांस मिलाकर सागर को रुपए देती। वहीं कॉलेज में पढ़ रही सागर पिछले 6 साल से हॉकी में अपनी किस्मत को आजमा रही है। सागर अब तक तमिलनाडु, केरल, असम, 2 बार झारखंड, भोपाल और ग्वालियर में जूनियर नेशनल हॉकी मैच में हिस्सा ले चुकी हैं। सागर का सपना है कि वो एक दिन मेडल लाकर देश का और अपनी माँ का नाम ऊंचा करे। हालांकि उनके पास फिलहाल छत भी नहीं बची है।